हेलो गाइस, मैं आशिक जैन फूड लवर्स की एक नई रेसिपी वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज हम बनाने वाले यम्मी टेस्टी चॉकलेटी फ्लेवर्ड ओगियो मोदक। गणेश चतुर्थी आ गई तो मोदक तो जरूर बनेंगे, तो आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे ओगियो फ्लेवर्ड मोदक। के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ओगियो बिस्किट, तो मैंने 10-10 रुपये वाले 3 पैकेट का यूज़ किया है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ओगियो बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें तकरीबन दोस्तों हर एक पैकेट पे 5 बिस्किट है, यानी टोटल 15 बिस्किट का इस्तेमाल किया है मैंने। आप अगर पहले सैम्पल टेस्ट बनाने के करना चाहे तो थोड़े कम बिस्किट लीजिएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियोज़ फ्री में देखने के लिए। तो सबसे पहले अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और हमारे जो ओगियो बिस्किट्स हैं उन्हें बिल्कुल इसी तरीके से उनके बीच में जो क्रीम होता है उसे एक चम्मच या एक रिमूवर की मदद से एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। हम थोड़ा बड़ा बाउल यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें इसकी फिलिंग बनानी है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से सारे बिस्किट की क्रीम जो है उसे अलग से इस बाउल में निकाल दीजिएगा। अब देखिए जो बिस्किट्स हैं मैंने उन्हें अलग कर दिया है और जो क्रीम है उसे अलग से निकाल दी है मैंने इस बाउल में। तो चलिए अब हम जो हमारी क्रीम है उसे साइड में रख देंगे दोस्तों। सबसे पहले हम हमारे बिस्किट पे काम करेंगे। तो हम एक मिक्सी का जो जार होता है वो ले लेंगे और अब हमारे बिस्किट को क्रश करके ऐसे ही डाल के इसे मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे दोस्तों। और इसका एकदम हमें पाउडर सा बना देना है, बिल्कुल कम्प्लीटली पाउडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्सी में जो है पाउडर बना दिया, इसे अच्छे से पीस लिया मिक्सी में। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसे कहीं भी बिस्किट का पीस नहीं बचा है, एकदम अच्छे से पाउडर बन चुका है। तो हम एक कोई भी मिक्सिंग बाउल या कोई भी एक बर्तन ले लेंगे जिससे हम इसका जो आटा बना सके यानी डो बना सके। तो अब हम इस ओगियो बिस्किट के पाउडर को इस मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे कम्प्लीटली। देख सकते हैं ये पूरा एकदम पाउडर ही है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी ओगियो बिस्किट का पीस नहीं है। अगर ओगियो का बिस्किट का पीस हो दोस्तों तो उसे अच्छे से वापस से मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिएगा। फिर हम लेंगे कंडेंस मिल्क दोस्तों, इसमें हम ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के इसका एक अच्छा सा डो प्रिपेयर करेंगे। ये जो कंडेंस मिल्क है दोस्तों ये मैंने घर पे बनाया है। अगर आप भी कंडेंस मिल्क घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपके स्क्रीन पे राइट एंड ऊपर में जो आई आइकॉन है उसमें मिल जाएगी। तो अब हम एक चम्मच की मदद से अपने हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ज़रूरत अनुसार इसमें थोड़ा थोड़ा कंडेंस मिल्क डालिएगा। आपको इसका थोड़ा गाढ़ा सा एकदम थिक बैटर तैयार करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके का, ये देखिए अभी भी गाढ़ा है, ये एकदम सॉफ्ट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का डो बनाइएगा। फिर हम किसी भी ब्रांड का चॉकलेट सिरप ले लेंगे या चॉकलेट सॉस और उसे हम इसमें डाल देंगे ताकि जो हमारा मोदक है वो और भी काफ़ी चॉकलेटी हो। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दिया है, ये एक बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप था दोस्तों। फिर आप अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि जो चॉकलेट सिरप है वो अच्छे से ओगियो का जो हमारा डो है उसके साथ मिक्स हो जाए। फिर आप इसे किसी फ्लैट सरफेस पे लेके दोस्तों अपने हाथों की मदद से अच्छे से गोंद दीजिएगा, जैसे अपन रोटी का आटा गोंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो इससे क्या होगा, इसमें ग्लूटेन फॉर्म होगा दोस्तों और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम रोटी के आटे जैसा। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का, इसे एक दो मिनट के मैं इसे हाथों के बीच मिक्स कर देता हूँ। देखिए एकदम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इसे रोल करने पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वैसा ही टेक्स्चर आया इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैं इसे जो है अच्छे से फ्लैट करके एक प्लेट में रख के साइड में रख देता हूँ। तो अब हम हमारी फिलिंग्स बनाएंगे दोस्तों, तो उसके लिए हमने जो क्रीम रखी है उसे ले लेंगे। फिर उसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, इसमें भी दोस्तों हमें 2-3 चम्मच कंडेंस मिल्क डालना है ज़रूरत अनुसार, और उसे भी दोस्तों हम एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे आप कंटिन्यूसली अच्छे से मिक्स कीजिएगा चम्मच की मदद से ताकि इसमें बिल्कुल भी जो घंटे वो ना बचे और एकदम स्मूथ सा फिलिंग तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं अभी हमारा जो फिलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा गीला है और मोदक में नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें डेरी वाइटनर जो आता है या बेसिकली आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने जो पैकेट है डेरी वाइटनर का उसका यूज़ किया है, ये तकरीबन 4.5 ग्राम्स है। तो आप देख सकते हैं मैंने 4.5 ग्राम्स डेरी वाइटनर डाला है पहले और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। इससे हमारे जो मोदक है उसमें
क्रीम जो फिलिंग है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और मैं इसमें एक और पैकेट जो है वो डेयरी वाइटनर डाल देता हूँ। तो तकरीबन मैंने 9 से 10 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है जो डेयरी वाइटनर है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ये सब जो है बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। अब आप देख सकते हैं इसका एकदम स्मूथ फ्लफी सा और थोड़ा सा थिक फिलिंग जो है तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे हमारी फिलिंग को। अब हम वापस हमारे डो को ले लेंगे जो ओरियो बिस्किट का डो हमने तैयार किया है। और इसकी मदद से हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे हमारे हाथों की मदद से। बिल्कुल इसी तरीके की राउंड राउंड बॉल्स बना के हम इसे प्लेट में रख देंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी बॉल्स जो बना दी है। अगर आप इसे अच्छे से मीडियम साइज़ के मोदक बनाए तो दोस्तों तो 15 बिस्किट जो हमने लिए उसमें से आप दोस्तों 10 मोदक आसानी से बना सकते हैं, 8 से 10 मीडियम साइज़ के मोदक। तो देखिए अब उंगली की मदद से मैंने इस जो बॉल है डो का उसे फैला दिया है और उसके बीच में मैं अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा फिलिंग रख रहा हूँ। और फिर दोस्तों आपको अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से सील पैक कर देना चारों तरफ से, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का मोदक बनाने का जो मोल्ड आता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली हम मोदक को अपने हाथों से बनाने वाले हैं क्योंकि अक्सर कई जगहों पे जो मोल्ड है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से देखिए दोस्तों आप अपने हाथ से इसे आसानी से मोदक का शेप दे सकते हैं। मुझसे इतना परफेक्ट भी नहीं आया दोस्तों, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी से परफेक्ट शेप आ जाएगा। देखिए हमने इसे लगभग लगभग मोदक का शेप दे ही दिया है। एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं है, जो परफेक्शन हमें मोल्ड से मिलती है। फिर हम एक फोक या जो फोक इस तरीके का आता है उसकी मदद से हम हमारे मोदक के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके के लाइन डाल देंगे जिससे कि ये मोल्ड में बने हुए मोदक की तरह ही दिखे। तो देखिए दोस्तों हमारी यम्मी टेस्टी ओरियो मोदक तैयार हो चुके हैं। आप इसे खाने से पहले दोस्तों रेफ्रिजरेट यानी फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।